का फ्री फ्री करके दे रहे हाँ। अभी इधर दिल्ली हो गया सब लोग फ्री किसके हिसाब से दे, वो अपने जेब से दे रहे, हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स पे करके उसमें दे रहे हैं ना, वो तो खुद के जेब में दे रहे हैं, वो बोल रहा है मैं पानी फ्री दूंगा, मैं लाइट फ्री दूंगा, लैपटॉप दूंगा, किधर से देंगे? अरे हम लोग जो कमाए हमारे टैक्स में दे रहे, बड़े कोई सीएम अपने जेब में से दे रहा है नहीं है ना, इस बार 2024 बस फिक्स है। मैंने तो पूछा ही नहीं कुछ, कौन है फिक्स? मोदी जी। क्यों ये अच्छे कर रहे हैं? प्लीज मोदी। कारण क्या है इसका? बिकॉज इज स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड हिज विजन, हिज डेवलपमेंट, एवरीथिंग नॉन करप्ट। अच्छा, तो सब इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन चुनाव में जीत कर आएगा मोदी। अच्छा। अभी हम लोगों को कुछ डेवलपमेंट करना है, देश के वास्ते करना है, तो महंगाई बढ़ेगा, सिर्फ महंगाई महंगाई बोल के डेवलपमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? सिर्फ सिलेंडर बढ़ा तो भी महंगाई बढ़ी नहीं, महीने में एक सिलेंडर लगता है। युवा बोलेगा तो वो योगी आएगा, मोदी के बाद योगी आएगा, वो तो 100% है। मोदी जी चाहिए और जब तक वो इस दुनिया में है तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी आएंगे। हाँ, क्यों मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी को जो लोग जान से चाहते हैं मोदी आना चाहिए। मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो उनकी ये है। बाकी उन्होंने एक जगह नहीं, हमारे कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्रीज में भी नाम अपना कमाया है, उधर को उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। मोदी रहेगा। मोदी क्यों, मतलब कि क्या कारण है जो आप लोग? क्योंकि उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री, कि इस एरिया में हमें वोट नहीं दिया तो उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता था, आज वो चीज़ नहीं है, वोट दिया नहीं हुआ तो इनफॉर्मली डेवलपमेंट सबको होता है और उसका इफेक्ट ये होता है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया अगली बार वो ही वोट देते हैं। देश का नाम पूरे वर्ल्ड में आज लिया जाता है आदर के साथ, पहले लोग डरते थे इंडियन कहते हुए, आज फख्र से कहते हैं हम इंडियन हैं। मोदी जी रिटायर नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा। हमेशा रहेंगे तो हमारे ही देश के लिए फायदा है वो तो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो कह रहा है कि विपक्ष तो ट्राई करेगा ही क्योंकि उनकी उनको सत्ता नहीं मिल रही तो सब इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन चुनाव में जीत कर आएगा मोदी। अच्छा, चुनाव में जीती मोदी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, मर गया लोकतंत्र। अभी वो तो कांग्रेस के काल में होगा, पता है अभी जगह है, इतने 70 साल लोकतंत्र गया था, मर गया था। अभी बोल सकते हैं ना, वो लोकतंत्र खतरे में है, अब तक बोल नहीं सकते थे पहले। नहीं तो क्या होता फिर? नहीं क्या क्या होता, आनी बानी तो पहले ही थी ना, कांग्रेस के शासन में ही थी आनी बानी थी। अभी लोकतंत्र तो इनके जमाने में चला गया था, कांग्रेस के था, अभी लोकतंत्र, अभी पब्लिक आराम से बात कर सकता है, डेवलपमेंट है, रीइंस्ट्रक्चर है और वर्ल्ड में अपना इंडिया का नाम आ रहा है। इसके पहले किधर आता था? ये पूरा अपना गांधी घराना ही उतने आगे लाता था, दूसरा नहीं लाता था। अभी मोदी के वजह सब बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी वाला भी मुद्दा रहता है, तो महंगाई उतनी थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है, करना है तो महंगाई बढ़ेगा ना। अच्छा। अभी हम लोगों को कुछ डेवलपमेंट करना है, देश के वास्ते करना है तो महंगाई बढ़ेगा, सिर्फ महंगाई महंगाई बोल के डेवलपमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? इंडिया डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना। लेकिन इतना ज्यादा पैसा बोल के, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं आप, 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया कह रहे हैं। सिर्फ सिलेंडर बढ़ा तो भी महंगाई बढ़ी नहीं, महीने में एक सिलेंडर लगता है, बराबर है 6%। ओके, कितने साल हुए मोदी जी आके? 9 साल हो गए, 9×6% से करो, कितना उतना बढ़ना चाहिए, हाँ थोड़ा बड़ा तो क्या हो गया, लेकिन डेवलपमेंट कितना हुआ है? पेमेंट भी बढ़ रहा है ना उस हिसाब से, सैलरी भी आपको लगता है? सैलरी भी बढ़ रही है नेचुरली ना, वो भी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कहा जाता है देश में कि जिस तरीके से माहौल है, बहुत ज़्यादा नफरत का माहौल बना दिया है मोदी ने पिछले 9 सालों में। सिर्फ मोदी जी ने बनाया है, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, कोई तो अपोजिट में कर रहा होगा तभी तो हो सकता है ना। सर अभी ये लोग का फ्री फ्री करके दे रहे, अभी इधर दिल्ली हो गया सब लोग, फ्री किसके हिसाब से दे, वो अपने जेब से दे रहे, हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स पे करके उसमें दे रहे हैं ना, वो तो खुद के जेब में दे रहे हैं, वो बोल रहा है मैं पानी फ्री दूंगा, मैं लाइट फ्री दूंगा, लैपटॉप दूंगा, किधर से देंगे? अरे हम लोग जो कमाए हमारे टैक्स में दे रहे, बड़े कोई सीएम अपने जेब में से दे रहा है नहीं है ना, उनकी अथॉरिटी नहीं है, फ्री देने की अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, उल्लू बना के वो कब कह रहे हैं हम दे रहे हैं फ्री? अरे पब्लिक उल्लू बना रहे ना,
उनके पेमेंट से दे रहे हैं, पेमेंट से दे रहे हैं, इसमें कुछ बात करने अपना पे राइट है, सबको राइट है, आपके मन की बात बोलना, जॉब देना चाहिए, फ्री कुछ देना नहीं चाहिए, फ्री कुछ भी नहीं देना, हर एक को जॉब मिलना चाहिए, हर एक को सैलरी मिलनी चाहिए, फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए, फ्री देंगे तो आपके खिसे में से निकाल के मुझे देंगे, फ्री कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा फ्री देने के लिए, कोई टैक्स पेयर का ही पैसा रहता है ना, कोई पॉलिटिशियन नहीं देता पैसा, देते हैं तो टैक्स पेयर ही देते हैं। मोदी जी, जय मोदी, हमको मोदी जी चाहिए, और जब तक वो इस दुनिया में है तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे, यही गांधी तो कह रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं नहीं, जिसको उसका हक है, हम मोदी को चाहते हैं, उनको भी हक है प्रधानमंत्री होने का, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, हाँ बस, अच्छा हाँ, युवा बोलेगा तो वो योगी आएगा, मोदी के बाद योगी आएगा, वो तो 100% है, ये तो जिंदगी में नहीं आएगा, ऐसा क्यों लगता है इतना याद नहीं है, अरे देख क्या यात्रा कर सर, उसके बात करने को उनको कुछ है, तमीज नहीं है, तमीज नहीं है, बात जो बात करेंगे उसको 10 बार, अभी कर्नाटक में बैंगलोर में हुआ था, उनको फूफचा था लॉन्ग फॉर्म एनसीसी का लॉन्ग फॉर्म पता नहीं है वो बंदे को, तो वो कैसे पीएम बनेगा और देश का क्या उद्धार करेगा, नहीं चलेगा, नहीं इस बार 2024 बस फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, मैंने तो पूछा ही नहीं कुछ, कौन है फिक्स, मोदी जी क्यों क्यों अच्छे कर रहे हैं, अच्छा जी, गांधी क्या खराब किया, क्या खराब किया है तो राहुल जी बताएंगे, अच्छा क्या लगता है मोदी जी कौन से अच्छे काम लगते हैं आपको, जो आपको लगता है कि आना चाहिए, सारे अच्छे काम हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन जो बेरोजगारी बता रहे हैं, महंगाई बढ़ा दी, नफरत बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो, कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सिर्फ बिहार में हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, तो बंगाल बस बिहार और बंगाल और कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम का एक राज्य, अच्छा जिस तरह से नीतीश जी अभी जो बजरंग किले का वो बैकड्रॉप डाल के पूरा वो प्रधानमंत्री बनने का जो बता रहे, ओ सब कुछ सपना है, सपना है, नहीं बन सकते नीतीश कभी नहीं, बिहार संभाल ही नहीं रहा तो इंडिया कैसे बन जाएगा, जो यात्रा किए हैं राहुल गांधी, इतनी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले गए पैदल चलते चलते, असर नहीं पड़ेगा इसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं, युवाओं में कह रहे हैं बहुत हमारी, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अच्छा जिस तरीके से बताते हैं कि लोकतंत्र जो है भारत में खतरे में है या मर गया है एक तरीके से, राहुल गांधी और विपक्ष का बकवास, सारा बकवास ही सब है, अच्छा कहाँ खतरे में है, अगर खतरे में रहता तो इतना इंडिया लोग जो लोग हैं घूर रहे फ्री घूर रहे, कौन मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, हाँ क्यों क्यों मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी को जिलो जान से चाहते हैं, मोदी आना चाहिए। राहुल गांधी में क्या ऐसा लगता है, है क्यों नहीं बनता सर, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता इन लोगों के बारे में, बट मुझे मोदी अच्छा लगता है, मोदी आना चाहिए, अच्छा हाँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम लोग युवा हैं, सब लोग युवा बेरोजगार भी घूम रहा है, और नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, महंगाई तो है बट मोदी अच्छा है तो मोदी अच्छा है, हाँ बस दिलो जान से आप लोग चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं सर, अच्छा हाँ जी, और इस बार 2024 में भी मोदी ही आएगा, अच्छा अच्छा क्या क्या काम अच्छे लगे मोदी के आप लोग को सर? सारा ही काम अच्छा लगा, इंडिया गेट पे देखो कितनी तरक्की कर दी है, सब कच्चा था कौन आता था यहाँ पे कुछ, अच्छा, आप लोगों का काम भी बड़ा होगा इस चीज़, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, क्यों नहीं बड़ा, फैशनलिटी हो गई सारा कुछ, पानी ठंडा, बारिश आ जाए, पहले यहाँ पे दबकने को भी जगह नहीं थी, कैमरे भी भीगते थे, कहीं भी जाके छिप सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पानी ठंडा हर वक्त ऑलरेडी मिलता है, ये तो सुविधा है, हाँ पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं था सर, अभी बना है मोदी ने बनवाया सारा कुछ, ये सब मोदी ने कराया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, पूरा एकदम हाँ वैसा रहता था, उल्ट पल्ट था सारा, आने जाने की व्यवस्था भी सही कुछ नहीं थी, सब अभी हुआ है मोदी ने कराया। विपक्षी दल चाहिए नहीं, विपक्षी दल इकट्ठे तो हो रहे हैं पर जो उनकी पॉलिसीज है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, जो विपक्षी दलों की जो अभी प्रेजेंट सरकार है, जो उनकी नीतियां हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हुआ है पिछले 8-9 साल में, वो पहले नहीं हुआ था, मतलब पहले इतने साल से दशकों में नहीं हुआ था, वो आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं डेवलपमेंट, चाहे आप साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर स्टेट में, जैसे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, और जो खासकर जो गरीब लोग फार्मर्स थे उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, जो सब्सिडी डायरेक्टली 100% पैसा डायरेक्टली उनके खाते में जाता है विदाउट एनी एफर्ट। वन टाइम उन्होंने अपना जो अकाउंट खोला वो अकाउंट को मैपिंग हुआ जो भी हुआ, उसके बाद जो है उनको कहीं घूमना नहीं पड़ता, इसके पहले किसी को कुछ मिलता था तो उसको 10 जगह चक्कर लगाने पड़ते थे, जो मजदूर लोग जो पढ़े अनपढ़ लोग थे उनको मतलब उसमें से जो अगर 10,000 रुपया गया तो उनको 2,000 मिलेगा,
सब जो है बीच में कमीशन। जो राहुल गांधी जैसे यात्रा यात्रा कर रहे हैं अपनी लगातार, तो क्या लगता है कुछ बदलाव इससे होगा, असर होगा इसका? नहीं, कुछ असर नहीं होगा इसका। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई भी बड़ा ये मुद्दा उठाते हैं। हाँ हाँ, नहीं बेरोजगारी, नहीं बेरोजगारी इतनी नहीं, इतनी नहीं है, तो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी जो लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को जॉब की कमी नहीं है। और उसके लिए जो अभी इस सरकार ने जो स्टार्टअप वाला जो किया है, तो कि आप जॉब सीकर ना होके जो गिवर बनो, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो अपना लिए भी और साथ में और लड़कों को भी करो, तो उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कि रिमोट एरियाज में, विलेजेस में, सब जगह लोग जो है अब ये करने लगे हैं। और अब आप देखो कि इंटरनेट की फैसिलिटी या जो ऑनलाइन फैसिलिटी है छोटे से छोटे गांव में अवेलेबल है, सहायक मित्र है, सबके लैंड रिकॉर्ड जो है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ऑनलाइन हो गए हैं। पहले आपको कुछ अपनी फर्द या जो पेपर लेना था जमीन का, वो पटवार खाने के एक ही बार, आज पटवारी जी नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे, जिस तरीके से कहा जाता है कि देश में डेमोक्रेसी जो है वो डेड हो गई है, खत्म हो गया लोकतंत्र, सच में ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल, तानाशाही कर रही है सरकार, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी जो सरकार है वो इलेक्टेड सरकार है, वो तो है नहीं कि पहले जैसे आप देखते थे बूथ कैप्चरिंग होना, धमकाना, पहले जो होती थी कि जनरली देखा गया, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इस एरिया में हमें वोट नहीं दिया, तो उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता था। आज वो चीज़ नहीं है, वोट दिया नहीं हुआ तो इनफॉर्मली डेवलपमेंट सबको होता है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया अगली बार वो ही वोट देते हैं। तो इसको कहते हैं कि मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिव जो भी जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, चाहे उसने सही आ रही है, बिल्कुल सही है बिल्कुल। और ऐसी गवर्नमेंट हमें बहुत मुश्किल से मिली है, जो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मंत्रालय हैं सारे एजुकेटेड, रेलवे मिनिस्टर हैं वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और रेलवे में नई नई स्कीमें आ रही हैं, ऐसे नितिन गडकरी जी हैं, बिल्कुल जो जो मंत्रालय मंत्री लोग बने हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, जिनको पता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और देश की तरक्की में बहुत बहुत ज़्यादा हम डेवलप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंडिया पांचवी लिस्ट में आ गया। इस तरीके से राहुल गांधी बाहर जाके कहते हैं इंडिया के बारे में, ऐसे बयान जब आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, बड़ा दुख होता है कि गलत बयान देना, सही है तो दो कोई बात नहीं, गलत बयान देना कि यहाँ डेमोक्रेसी डेड हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितना आप देखेंगे कि जितना भी अगर आप जितने मॉल या एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो सब तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो ही रहा ना, जो जितने भी इंडस्ट्री या जो हो रहा है काम, वो अल्टीमेटली जो हमारे ही जो यूथ लोग हैं, जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबको उन्हीं वही तो चलाएंगे उसको। तो ये सब मतलब जो देखें तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बेरोजगारी भी इतना ऐसा नहीं है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में आज लिया जाता है आदर के साथ। पहले लोग डरते थे इंडियन कहते हुए, आज फखर से कहते हैं हम इंडियन हैं। नहीं, हमारे हिसाब से तो जो सरकार है वही अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। हाँ जी। अच्छा, महंगाई का जैसे बात करते हैं, महंगाई बहुत, महंगाई तो होगी ना, डेवलपमेंट होगी तो महंगाई भी होगी, डेवलपमेंट चाहिए तो खर्चा भी करना, खर्चा भी करना पड़ेगा फिर, वो तो है ही। अच्छा, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं मोदी जी, अगर आप चाहते हैं, क्या तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सही लगती हैं मोदी जी की आपको? मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो उनकी ये है। बाकी उन्होंने एक जगह नहीं, हमारे कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्रीज में भी नाम अपना कमाया है, उधर को उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। मोदी जी, आपको एज दिख रही है, एज तो जस्ट एक नंबर है, वो तो नंबर, तो बाकी फिटनेस में कोई कमी नहीं है मोदी जी की, वो सब कुछ कर रहे हैं जो अच्छा, करते हैं। मोदी जी रिटायर होते उसके बाद क्या चेहरा आपके दिमाग में प्रधानमंत्री के लिए? मोदी जी रिटायर नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा। हमेशा रहेंगे तो हमारे ही देश के लिए फायदा है, वो तो जो है वही रहेगा, जो अभी है वही रहेगा। हाँ। लेकिन इतना विपक्षी दल जो है यात्राएं कर रहे हैं और इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, राहुल गांधी भी लगातार नहीं, जो अभी हमारा बैठा हुआ है कुर्सी पे, ठीक है बीजेपी भाई, अभी खुलेआम चल रहा हूँ, पहले नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। हाँ, पहले भी हम कोई कहीं सरकार था। और जो तमाम विपक्षी दल जो यात्रा हो रही है, जैसे राहुल गांधी ने की यात्रा की कन्याकुमारी से पूरा कश्मीर तक गए, वो अपने अपने वो पहचान बनाने के लिए कर रहा है सब। अभी जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि जो मोदी हैं वो मतलब मोदी सरनेम को लेकर भी राजनीति हुई कि चोर हैं, ये हैं, इन लोग से मिले हुए हैं, क्या लगता है? देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें होता ही रहता है, उतार चढ़ाव होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है।
बाकी बात हमारा जहाँ तक है वही वहीं का वहीं रहे। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी मुद्दे हैं क्या कहीं राजनीति में, मतलब या फिर आप आम आदमी के उसमें? जब हम नोएडा आए थे तो 180 रुपए में दिहाड़ी करते थे, आज मैं 500-700 रुपए लेता हूँ। अच्छा, बस सोच तो महंगाई का आपको लगता नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। अब जो लोग कह रहे हैं महंगाई होगा, हम अगर हम अपना सैलरी अगर कम करेंगे तो वो भी कम होगा। सरकार सही चल रही है, काम सही कर रही है? सही कर रही है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं? प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहेगा मोदी है? मोदी रहेगा। मोदी क्यों, मतलब कि क्या कारण है जो आप लोग? क्योंकि उसकी टक्कर में कोई यही नहीं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी तो टक्कर दे रहे हैं कह रहे हैं? नहीं दे रहे राहुल गांधी टक्कर। अच्छा, राहुल गांधी क्यों, मतलब ऐसा लगता है युवा बोलते हैं वो तो अपने आप को नेता हैं? युवा वो इतना संभाल नहीं सकते देश को, युवा तो है। उन सभी काम अच्छे हैं मोदी के जो करा रहे हैं, मोदी जितने भी काम अच्छे हैं, जो भी काम करा रहे हैं मोदी अच्छे करा रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उनके? हाँ संतुष्ट हैं। मोदी तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी वो बढ़ गई है, बेरोजगार काम मजदूरी भी तो बढ़ी है ना। अच्छा, कहाँ 150 में थे, आज 500-600-700 अगर महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी तो बढ़ी है ना। लेकिन राहुल गांधी ने तो इतनी बड़ी यात्रा कर ली, सब कुछ कर लिया, तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ थोड़ी ना। अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं तो राहुल गांधी, क्या आपको नहीं लगता कि छवि होना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए? नो, हो गया नहीं नहीं, पीएम स्ट्रॉन्ग पीएम है ना उनको जी। अगर कारण कि आज इंडिया की वर्ल्ड के अंदर कदर कितनी ऊपर बढ़ी है। अच्छा, कि पहले इंडिया कोई जानता नहीं था, लोग एक घृणा से देखते, बट आज इंडिया का कहाँ लेवल है, लेवल कितना ऊपर बढ़ा है।